नमस्कार प्रिय दर्शकों, बहुत साधारण सी बात है कि यदि यह कार्यक्रम आपने देखना प्रारंभ किया है तो आप मीन राशि के एक जातक हैं और आज का ये विशेष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैं आपको अभी से ही बता देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको शनि की 7.5 से जुड़े वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि आपने जान लिया तो शनि की 7.5 के अंदर ही जमीन से आसमान तक भी व्यक्ति कैसे जाता है और आसमान से जमीन तक कैसे आता है, उन सभी स्थितियों का वर्णन आप इसी वीडियो में बहुत सूक्ष्म शब्दों में जान जाएंगे। क्योंकि जब भी शनि की ढैया और 7.5 की बात की जाती है, हर एक व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है कि अब मेरे ऊपर शनि की 7.5 चलेगी, अब क्या होगा। उसी डर को भी समझिए, उसके पीछे के कारणों को भी समझिए। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मीन राशि वाले सभी जातकों के लिए शनि की 7.5 खराब होगी, या पिछले समय में जब आपने शनि की 7.5 देखी, आप मीन राशि के ही कई जातकों को देखते होंगे, दूर मत जाइए, अपने ही जानकारों में देखिए, क्या सभी के साथ ऐसी समस्या हुई। ऐसा कभी नहीं होता। आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति कैसी बनी हुई है, अगर वो उच्च के बने हुए हैं, अगर वो स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, अगर वो मित्र कारक राशि में बने हुए हैं और आपकी कर्म शैली अच्छी बनी हुई है, तो शनि की 7.5 व्यक्ति को जमीन से आसमान पर भी ले जाती है। ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि शनि की 7.5 हो गई, अब हमारे काम बिगड़ना चालू हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति जब आपने दिमाग में बना ली और कोई भी कार्य में छोटी मोटी रुकावट आई तो सारा जो कार्यों में रुकावटों की स्थिति होती है, आप शनि महाराज के सर पर मढ़ देते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप समझिए, 29 अप्रैल 2022 को आपके ऊपर शनि की 7.5 चलेगी, यहां से कुछ समय तक 7.5 रहेगी, फिर 2022 में समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात 2023 से 7.5 वर्ष की यह स्थिति है। किंतु इसके 3 चरण होते हैं और 3 चरण सभी लोगों के लिए खराब नहीं होते हैं। इनमें किन बातों का आप ध्यान रखें, किन स्थितियों से अपनी कर्म शैली को बनाएं, आप देखेंगे शनि की 7.5 की स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। साथ ही मैं आपको वो रामबाण उपाय भी बताऊंगा जिन्हें यदि इन 7.5 वर्षों के अंदर आप करते हैं पालन, 7.5 वर्षों में शनि की 7.5 कब समाप्त हो जाएगी ये भी आपको पता नहीं पड़ेगा और जीवन में निरंतर ग्रोथ भी करते रहेंगे। पहली अवस्था में शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बनी हुई हो, पहले चरण में जो 3 चरण होते हैं, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष के पहले चरण के अंदर आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो पहले चरण में शनि महाराज आपके 2द्वादश भाव के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और 2द्वादश भाव होता है खर्चों का घर, 2द्वादश भाव होता है हॉस्पिटलाइज खर्चे का घर, किंतु उसी के साथ 2द्वादश भाव विदेश सेटलमेंट और विदेश यात्रा का भी होता है। किस प्रकार के खर्चे होंगे, खराब खर्चे होंगे, या फिर विदेश में सेटलमेंट की स्थिति बन जाएगी, या फिर विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर आप बहुत मोटा धन कमा लेंगे, ये सब स्थितियां आपकी कुंडली में स्थित शनि देव के आधार पर होती है और आपके कर्मों के ऊपर आधारित होती है। क्योंकि शनि देव को न्याय प्रिय ग्रह कहा गया है और एक कहावत ज्योतिष में सदैव कार्य करती है कि व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है और अपने कर्म अपने साथ लेकर जाता है। इस स्थिति को जिस दिन आपने समझ लिया, आपका भाग्य भी कार्य करेगा और कर्म के माध्यम से आप अपने भाग्य को निर्मित भी कर लेते हैं। तो पहले चरण के अंदर आपको शनि से संबंधित कुछ फिजूल खर्चियां देखने को मिल सकती है, स्वास्थ्य रूपी योग में छोटा मोटा तनाव देखने को मिल सकता है, किंतु उस ड्यूरेशन में यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, फिजूल की खर्चियों से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिजूल की खर्चियां कोई कोसकर आपसे नहीं ले जाएगा, आपको पहले से प्लानिंग, ज्योतिष क्या है, ज्योतिष आपके लिए भविष्य को देखने वाले एक नेत्र है, इनको यदि आपने समझ लिया, आपके सामने बड़ी आसानी से सब कुछ स्थितियां स्पष्ट हो जाती है। आपने पहले चरण में प्लानिंग करी, मुझे फिजूल की खर्चियों से बचना है। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज की अच्छी स्थिति बनी हुई है तो वो आपको यात्रा करवा कर बड़ा अच्छा खर्चा करवा देंगे,
कोई घर की स्थिति बनाकर आपके लिए खर्च किया तो वो बड़ा अच्छा है, कोई गाड़ी आपने खरीद ली तो वो बड़ा अच्छा खर्च है, कहीं पर आप विदेश में सेटलमेंट हो गए ये बड़ा अच्छा खर्चा है, किंतु फिजूल की खर्चियां जो अनायास हो, जिनका कोई औचित्य ही नहीं बनता, उन खर्चों से यदि आप बचते हैं आपको कहीं कोई तनावग्रस्त अवस्था नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ग्रह रुकावट डाल सकता है आपके जीवन में किंतु हाथ पकड़कर जाम कर देगा ऐसा कभी भी नहीं होता। इसे समझना आपके लिए आवश्यक है। दूसरे चरण के अंदर आपकी स्थितियां मध्यम गति में आ जाती है, जहां आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें आती रहती है, किंतु यदि आपने दृढ़ निश्चय कर अपने कर्म की शैली बनाई और साथ में ही वो ब्रह्म जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं उन्हें पालन करते रहे, आपके लिए शनि की साढ़े साथी दूसरे चरण में भी खराब नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसे समझना सबसे ज्यादा इसलिए आवश्यक है। बाकी 8 ग्रह भी तो आपके साथ जीवन में कार्य कर रहे होंगे, क्या शनि महाराज ही 24 घंटे आपके आसपास में मंडराएंगे? ऐसा तो संभव नहीं होता। देवगुरु बृहस्पति 2022 से बड़ी अच्छी अवस्था का योग आपके लिए प्रकट करने जा रहे हैं और निरंतर आगामी समय में भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी अपने पीछे राशि में नीचस्थ नहीं होंगे तो आगामी समय में चलते हुए अन्य ग्रह जो आपकी कुंडली में कारक बने हुए होते हैं ये आपको बड़े अच्छे लाभ देते रहते हैं। और अंतिम चरण में यदि ये दो चरणों की स्थिति को आपने अपने आप से बैलेंस कर लिया तो अंतिम चरण में आपके लिए शनि महाराज सारी अवस्थाओं को बहुत तीव्रता से देते हुए जाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि जाता शनि जितनी बिगाड़ता है उससे 2 गुना व्यक्ति को देकर चला जाता है। ये जो साढ़े साथी आती है ये हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आती है। आपका परिवार, आपके जानकार लोग, किस प्रकार के आचार विचार व्यवहार स्वभाव के लोगों के साथ आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इन सभी स्थितियों के स्पष्ट आईना आपके सामने दिखाने का प्रयास होता है, जिसमें कुछ स्थितियों में आपको अपने परिवार के लोगों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, अपने नजदीकी रिश्तेदार अपने जानकार मित्रों के बारे में जानने को बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ दृढ़ निश्चय कर आप अपनी क्रिया शैली को बनाए रखें, अच्छी स्थितियों में अपने आप को बनाकर रखें, तो तीसरा चरण आपके लिए यादगार बन जाता है। तो यहां पर डरने की स्थिति तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दी है, इसे समझने की आवश्यकता है कि हमें हमारे कर्मों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। हम यदि दृढ़ निश्चय कर अगर ये प्रयास कर ले कि मुझे ऑफिस जाना है, इतने बजे ये कार्य करना है, अपने कार्यों में डिले चाहे कितनी कोशिश हो जाए मुझे नहीं करनी, तो फिर यहाँ शनि देव आपके लिए न्यायप्रिय की उपाधि ले लेते हैं। और जब छोटी छोटी रुकावटों से आप अपने आप को हताश कर लेते हैं और वो हताश होने का कारण सबसे बनता है कि हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि शनि की सारे साथी चल रही है इस वजह से मेरे कार्य नहीं हो रहे, इस मेंटेलिटी को सबसे पहले दूर कर भगा दीजिए और उसके पश्चात में शनि महाराज की आराधना करना प्रारंभ कीजिए। और शनि महाराज को क्या स्थितियां पसंद है इनके ऊपर यदि आपने कार्य किया तो निश्चित रूप से आपको शनि महाराज का मिलता है आशीर्वाद। क्या करना है वो जान लीजिए। पहली स्थिति में किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, ये इस शनि के साढ़े साथी में बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। क्या करना है? असहाय व्यक्तियों की सहायता जितने भी हमसे बन पड़े, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी हम कर सके तो वो करें, शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना, और ये सायंकालीन समय में यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हनुमान जी की आराधना करना शनि के साढ़े साथी में व्यक्ति को बहुत अच्छा रक्षा कवच देती है। और शनि महाराज से ही आशीर्वाद की कामना का ध्यान करना कि जो भी मुझसे जीवन में जाने में अनजाने में गलतियां हुई है शनि महाराज उससे मुझे क्षमा करे। ऐसी स्थिति का जब आप योग बना लेते हैं आपके लिए शनि के सारे साथी कब निकल जाएगी आपको पता ही नहीं पड़ेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्मों को सुधारने की आवश्यकता है। और इन स्थितियों से यदि आप इन 7.5 वर्षों की स्थिति बनाते हैं, अन्य ग्रह जहां एक तरफ परिपूर्णता से आपको लाभ देते हुए पाए जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ न्याय के देवता शनि महाराज का भी मिलता है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।